महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उत्तर प्रदेश की चंद्रभानु गुप्ता सरकार बाराबंकी की शुगर मिल का अधिग्रहण करने जा रही थी, क्योंकि वह लगातार घाटा दे रही थी। कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित उनके संचालक मंडल के सदस्य थे। गन्ना उत्पादकों की इच्छा के मुताबिक दीक्षित जी उस मिल के रिसीवर नियुक्त किए गए। उन्हें मिल चलाने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उन्हें ऋण देने से मना करते हुए इस संबंध में चेयरमैन से बात करने का सुझाव दिया। दीक्षित जी ने बम्बई जाकर चेयरमैन से मुलाकात करने से पूर्व वृंदावन में बाबा जी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। जब वे वृंदावन पहुंचे तो पता चला कि 2 घंटे पूर्व ही बाबा जी कहीं अन्यंत्र चले गए। दीक्षित जी चिंतित हुए और सोचा कि अब काम नहीं बनेगा। उन्हें चिंतित और हताश देखकर चौकीदार ने पूछा, आप कानपुर से आ रहे हैं? यह वही चौकीदार था जिसने बाबा जी के अन्यंत्र जाने की सूचना दीक्षित जी को दी थी। दीक्षित जी चौकीदार के इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गए। दीक्षित जी के हामी भरने पर चौकीदार ने कहा, बाबा जी जाते समय कह गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना कि उसका काम बन जाएगा, वह वृंदावन के देवता बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता है और दीक्षित जी को तुरंत दिल्ली जाकर बम्बई के लिए विमान पकड़ना था, अतः उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी। उन्होंने बिहारी जी के मंदिर पर माथा टेक कर बाहर से ही प्रसाद लेने का निश्चय किया। जब दीक्षित जी ने मंदिर के चौखट पर माथा टेका तो उसी समय एक व्यक्ति मंदिर के कपाट खोलकर बाहर आया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बिहारी जी को चढ़ावे के लिए कुछ रुपए दिए और प्रसाद की याचना की। वह व्यक्ति भीतर गया और एक कटोरे में प्रसाद लाकर दीक्षित जी को दे दिया। दीक्षित जी प्रसाद के साथ बम्बई पहुँचे, लेकिन जब वे मालाबार हिल्स स्थित चेयरमैन के घर उससे मिलने गए तो उन्हें निराश होना पड़ा। उस समय चेयरमैन विदेश यात्रा पर गए हुए थे। दीक्षित जी ने बिहारी जी का प्रसाद भीतर भिजवा दिया। प्रसाद मिलते ही चेयरमैन की पत्नी दीक्षित से मिलने बाहर निकल आई। यह एक गुजराती परिवार था, इसलिए धर्म भीरू था। चेयरमैन की पत्नी बिहारी जी के दर्शन के लिए लालयत थी, लेकिन पति के विदेश में होने के कारण उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। प्रसाद पाकर वह इतनी द्रवीभूत उठी थी कि दीक्षित जी से दूसरे दिन आने का आग्रह किया। संयोग से दूसरे दिन चेयरमैन विदेश यात्रा से लौट आए। दीक्षित जी जब उनसे मिले तो उन्होंने तुरंत ऋण देने का आदेश दे दिया। दीक्षित जी ने 20 लाख का ऋण लेकर कार आरंभ किया और चीनी मिल की आर्थिक स्थिति सुधर गई। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।